ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आज हम आए एमएस मोटर, काफ़ी बढ़िया सा कलेक्शन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यूक एंड केटीएम का कलेक्शन है, काफ़ी सारा स्कूटी तो मिल जाएगा आपको रीजनेबल रेट पे, एंड बाइक भी काफ़ी मीडियम रेंज का काफ़ी पॉपुलर है। ओके, इसका एग्जैक्ट एड्रेस होगा आपका ये हाजो रोड है, देख सकते हैं यहाँ से आप सीधा हाजो जा सकते हैं। ये पास पे आपका भारत पेट्रोल पंप, यहाँ आप उधर दूर पे देखेंगे तो ये आपका लोकल है, ये या आप गूगल मैप पे एमएस मोटर मारे मिल जाएगा। ओके, यहाँ का फटाफट कलेक्शन हम आपको दिखाते हैं, एंड उससे पहले हम भैया से मिलते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो बन चुका है यहाँ का, फिर भी हम भैया को मिला के पूछते हैं कि जो नया व्यूअर है उनको पता करना है कि मतलब क्या क्या, मतलब फैसिलिटी क्या क्या है। ओके, तो चलिए भैया से मिलते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आ गए हमारे साथ भैया, जो हमें हेल्प करने वाले सारे बाइक डिटेल देने पे। काफ़ी थोड़ा नॉइजी हो रहा है रोड के सामने इस कारण से, एंड थोड़ा बहुत धूल लगा हुआ है ना गाड़ी में, हाँ, तो मतलब देख के लगेगा कि थोड़ा मतलब पुराना, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन लेने से पहले आपको वॉश करके पॉलिश करके मिलेगा, हाँ, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन। ओके, तो यहाँ का फैसिलिटी हम पूछ लेते, एक्सचेंज मिल जाएगा, सारा शोरूम पे मिलता है, यहाँ पे मिल जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं। यहाँ पे एक फैसिलिटी हुआ कि स्पॉट एक्सचेंज मिलेगा, हाँ, मतलब आइए आपका डीजल दूसरा लेके जाइए। और ऐसे अगर आपको रिफाइनेंस कराना है तो कहाँ का रिफाइनेंस मिल सकता है एरिया वाइज? आपका एरिया आपका गुवाहाटी से 40 किलोमीटर रेंज में आपका फाइनेंस हो जाएगा, इधर मंगलदेव तक हो जाएगा, इधर बोकाओ, इधर जागीरोड तक, इधर नलबाड़ी तक हो जाएगा, बाकी दूसरा जगह नहीं होगा तो बोल के भी फायदा नहीं है। फिर भी अगर किसी का सिविल स्कोर या गवर्नमेंट जॉब है तो चांसेस बन सकता है, फाइनेंस सर वोटे डिपेंड करता है, वो बहुत कम है चांस, कम है। फिर भी डॉक्यूमेंट्स अगर फुल्ली डिटेल के लिए चाहिए तो भैया को कीजिए, कौन कौन सा एरिया पर्टिकुलर वाइज, कोई कोई जगह भी होता है तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ का कलेक्शन तो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाई दिया, और दूसरा बात टैक्सपेल गाड़ी एक्सचेंज नहीं होता, टैक्सपेल गाड़ी एक्सचेंज नहीं होता। ओके, और फाइनेंस का मतलब ऐसा प्रोसेस है ना कि कितना साल का नीचे का गाड़ी रिफाइनेंस नहीं होता? 2015 तक का हो जाता है, मतलब 15 से ऊपर का जो भी गाड़ी है वो रिफाइनेंस हो जाएगा, उसके नीचे वाला गाड़ी का प्राइस भी तो लो होता है, कुछ ऐसा मिनिमम अमाउंट है भैया जिसमें मतलब जैसे कि 1 लाख का गाड़ी लिया तभी रिफाइनेंस होगा या 50? नहीं, ऐसा नहीं, स्कूटी आप समझ लीजिए 35 के ऊपर तक का फाइनेंस कर सकते, लगभग 17-18 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और बाइक में आपका समझ लीजिए वही 50 तक का, 50 तक का, मतलब उतना का लेना होगा, एंड 2015 से ऊपर का बाइक लेना होगा तभी रिफाइनेंस मिलेगा, जिसको मतलब जो एरिया का रिफाइनेंस मिलता है उन लोग के लिए। ओके, चलिए फटाफट कलेक्शन पे बढ़ते, और क्या है बाकी, ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो है भैया का, आप चैनल पे देख सकते हैं, एमएस मोटर का काफ़ी सारा वीडियो है, वहाँ पे सारा आपको प्रॉपर तरीका से सारा फैसिलिटी जो भी है यहाँ का वो सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, हम फटाफट कवर करते हैं, काफ़ी सारा बाइक है और हम आपको 50 बाइक इन स्कूटी है। ओके, लेट्स गो। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबके डिमांडेड एंड काफ़ी प्यारा सा लुक देख सकते हैं, 125 सीसी मतलब आपको प्रॉपर लुक तो मिल रहा है, साथ में अच्छा खासा आपको माइलेज भी मिलेगा, हाँ जी, एकदम बढ़िया माइलेज, अराउंड कितना 50 माइलेज दे देता है ये? हाँ, दे देगा 45-50। ओके, तो यूथ का ऑल टाइम क्रेज ड्यूक 125 देख सकते हैं, काफ़ी भाई लोग ने काफ़ी पसंद किया हुआ बाइक है, एंड काफ़ी कमेंट आता है ड्यूक के लिए, तो ये आपको हम दिखाना चाहते हैं 125 सीसी वाला ड्यूक, एंड जो ये कलर है ये भी काफ़ी डिमांडेड कलर है। ओके, तो फटाफट हम डिटेल पूछते हैं भैया से, भैया कब का है, रनिंग कितना है, प्राइस? ये 2019 मॉडल है, हाँ, और आपका रनिंग हुआ है 7100 किलोमीटर, 2019 का 7100 जेन्युइन रनिंग है, मीटर है ऐसा कुछ टेम्परिंग ये सब? नहीं, वैसा कुछ नहीं। इंजन का सही है पूरा, कुछ गारंटी वारंटी? ये पूरा सील इंजन है, क्या गारंटी है, मतलब इंजन का कोई गारंटी देने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। जस्ट मैं ऐसा पूछ रहा एज ए व्यूअर जो खरीदने आते हैं, उन लोगों का मन में काफ़ी सारा डाउट होता है, तो मतलब अगर किसी को लगेगा कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है बाइक का, तो कोई मैकेनिक लाके चेक करा दूँ? करा सकता है ना, और अच्छा होता है, और अच्छा है, मतलब आप चेक कराइए, जब सेटिस्फाई लगे ले लीजिए। इसका रोल का प्रोसेस चल रहा है, अगर नहीं होगा तो इसका प्राइस आएगा 1,05,000, मतलब 1,05,000 इसका आस्किंग है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है ना, ना फिक्स है, नहीं नेगोशिएबल है, प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, जिसको पसंद है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा स्क्रीन है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, विथ आपको शोरूम का नाम एंड नंबर, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई हाई लिख के मैसेज करेगा तो आप लोकेशन फिर शेयर कर देंगे या फोटो वोटो भी दे देंगे ना अगर कोई बोलेगा तो, और जिसको बाइक पसंद है वो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट मार के भैया को कर सकता है कि ये बाइक चाहिए, तो भैया एडजस्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट फिर से हमारे पास है आपका दमदार, देख सकते हैं स्पोर्ट्स किंग आरसी 200 होगा भैया? हाँ, 200 2019 मॉडल। ओके, कितना रनिंग है ना, प्राइस क्या है इसका? ये लगभग 22,000 किलोमीटर रनिंग है, हाँ, 1,25,000 2022 किलोमीटर रनिंग, 1,25,000 आस्किंग। ओके, नेक्स्ट हम मीडियम सेक्शन पे लेके चलते हैं आपको पल्सर 150 फुल्ली ब्रांड न्यू कंडीशन, ये 2018 बीच का मॉडल है, 18 बीच का है मॉडल, डबल डिस्क, ओके, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा मिल रहा है, 39,000 रनिंग है, एंड मिनिमम आस्किंग क्या आ जाएगा भैया? ये 78,000। ओके, नेक्स्ट फिर से हमारे पास है पल्सर 220F,
ये भी फुल्ली ब्लैक कलर पे मिलेगा आपको शाइनिंग। 18 का मॉडल है। ओके 23,000 किलोमीटर रनिंग है। 23,000 रनिंग, 80,000 आस्किंग। ओके नेक्स्ट पीछे हमारे पास है ग्लैमर 2013 मॉडल, 13 का अप्रोक्सीमेट 66,000 चला है। 66 रनिंग। ओके 1000 थोड़ा बहुत इधर स्क्रैच है। ओके माइनर स्क्रैच तो लग जाता है टू व्हीलर में। 38,000 ओनली आस्किंग रखा भैया ने। ओके देख सकते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास फिर से है कलर चेंजेस है, ये है आपका ब्लैक एंड वाइट पे सिल्वर में आपका 2016 मॉडल है। ये 16 का 48,000 आस्किंग है। रनिंग कितना हो चुका है? नेक्स्ट फिर से हमारे पास पल्सर 150। पल्सर का काफी ढेर सारा कलेक्शन 15 या फिर 16 का मॉडल होगा। 15 टू 16 का एग्जैक्ट। ओके ये रनिंग कितना एंड प्राइस क्या आ जाएगा? 49,000 रुपीज प्राइस है। 49,000। ओके नेक्स्ट है हमारे पास होंडा शाइन 125 2017 मॉडल है। 2017 का मॉडल है। ओके 43,000 ओनली आस्किंग देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारे पास है ग्लैमर है ना, आपको पल्सर का काफ़ी ढेर सारा कलेक्शन मिल जाएगा। 18 मॉडल, 18 फुल्ली रेड कलर पे 2018 किलोमीटर रनिंग 52,000 रनिंग है एंड 52,000 इसका आस्किंग है। नेक्स्ट है हमारे पास होंडा स्टर्नर 2013 मॉडल, ये देख सकते हैं स्टर्न, इससे आप स्टर्न मार सकते हैं। 2013 का मॉडल 30,000 रनिंग है इसका, 33,000 प्राइस, 33 आस्किंग है एंड देख सकते हैं सीट कवर नया वाला का मिलेगा एंड गाड़ी फुल्ली रनिंग कंडीशन है, मस्त है। माइनर स्क्रैच एंड डेंट मिलेगा आपको और कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट है सुजुकी जिक्सर 150 सीसी का विद वाइजर 23,000 किलोमीटर रनिंग 55,000 मॉडल 23,000 रनिंग 55,000 आस्किंग। ओके नेक्स्ट फिर से हमारे पास है ग्लैमर 2014 लास्ट मॉडल है, ये 14 का लास्ट का मॉडल है। 46,000 आस्किंग, नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट फिर से होंडा, ये हीरो होंडा का हॉर्नेट एक्सट्रीम बाइक 150 सीसी का। ओके 21,000 इसका आस्किंग, अब इससे अगर कोई नेगोशिएबल करेगा तो फिर क्या बोल सकते हैं, मतलब मोबाइल से भी सस्ते रेट पे आपको बाइक मिल रहा है, आप नेगोशिएबल क्या करना है। लेकिन ये देख सकते हैं धूल लगा वास करके मिलेगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी माइलेज की सुपर स्प्लेंडर 2018 लास्ट का मॉडल है। 18 लास्ट का है। ओके 55,000 एकदम शोरूम कंडीशन पे मिल रहा है आपको देख सकते हैं। रनिंग कितना होगा भैया इसका कम से कम? 28,000 ओनली। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फिर से हीरो एक्सट्रीम रेड कलर पे 200 सीसी है, ये 200 सीसी का है ना एंड लुक भी काफी अच्छा गार्डवर्ड लगा हुआ मिल रहा है एंड दो कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड रेड। ओके इसका 55,000 किलोमीटर रनिंग है। 18 का 55 आस्किंग, 20,000 किलोमीटर इसका रनिंग है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास होंडा का हॉर्नेट जिसे मैं आपको बोल रहा था। ओके ये भी कंडीशन मस्त है 2017 का, लगभग 36,000 इसका रनिंग है 17 का। मिनिमम कितना में छोड़ देंगे कोई लेने? 55,000 मेस्ट्रो। ये 37,000, हाँ ये 28,000, ये कब का होगा मेस्ट्रो? ये 18 लास्ट, 18 लास्ट, लास्ट ये 16 का है। 16 का आस्किंग 28,000। नेक्स्ट है हमारा डुएट, ये 37,000 2018 लास्ट। ओके ये 37,000 लास्ट। ओके ये 31,000 2014 लास्ट, डोर ये पल्सर आपका 140, 150, 50,000 2015 लास्ट का है। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवा, ये कम रेंज का है आपका 27,000 ओनली। कब का हो जाएगा ये? 2013 लास्ट का होगा, 13 लास्ट होगा। ओके नेक्स्ट डिस्कवर 125 एसटी, ये 31,000 2013 लास्ट। एकदम सेल्फ स्टार्ट पूरा ओके गाड़ी है सर? नहीं कंडीशन पूरा मस्त है, सारा गाड़ी का मस्त है, खाली धूल है जैसे मैं आपको बोल रहा था। ओके तो हम थोड़ा जूमिंग करके जाते हैं, वहाँ तो दिख नहीं सक रहा है। ओके ये कौन सा होगा? ये डुएट है ना आपका भैया? एंड प्राइस क्या जाएगा भैया? 2018 का है 37,000। ओके नेक्स्ट है एनटॉक, एनटॉक का भी काफ़ी डिमांड है स्कूटी पे। 2018 का है, हाँ 54,000 का, काफ़ी बढ़िया सा प्राइस में। ओके नेक्स्ट फिर से हमारे पास डुएट है 27,000 कब का हो जाएगा? 37 कब का हो जाएगा? 18 लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास पैशन प्रो, पैशन प्लस 21,000 कब का होगा ये? 2008 का। ओके नेक्स्ट हमारे पास पल्सर है 150
21,000। ओके नेक्स्ट फिर से वो एविएटर है ना एक्टिवा, दोनों में से कुछ है एविएटर 14 लास्ट आपका 31,000। ओके देख सकते हैं काफी देर सारा एक्सर मिलेगा ग्लैमर मिलेगा वो सब मतलब सर्विसिंग बाकी है गाड़ी। सर्विसिंग मतलब जैसे अगर भैया कोई अगर जैसे आप लोग बाइक या स्कूटी परचेस करते हैं तो उससे पहले इधर लाके सारा कुछ क्वालिटी चेक होता है ना बाइक का? हाँ मतलब कंडीशन मीटर वोटर सब कुछ चेक किया होता है, मतलब कंप्लेन ना मिले कस्टमर को। मतलब ऐसा है कि कंप्लेन मिलेगा तो एक शोरूम का रेपुटेशन के खिलाफ है, तो मतलब ये है कि जो माइनर वाइनर होता है स्क्रैच वो भी तो थोड़ा बहुत आप लोग पॉलिशिंग करके अच्छा कर देते हैं ना। बाकी ढेर सारा गाड़ी है मतलब इधर अगर आप आए ना 10-20 कस्टमर जो भी आपको घूर के जाना नहीं पड़ेगा इधर से, एंड काफ़ी रीजनेबल रेट पे आप देख ही सकते हैं सारा गाड़ी। ओके तो बाद में फटाफट स्कूटी कवर करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लेंदी हो गया। ठीक यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक्टिवा 4G 17 लास्ट का। ओके प्राइस 30,000 चला है 30,000 चला 44,000 30,000 रनिंग है। नेक्स्ट पीछे एक्टिवा एकदम वेरी ब्रांड न्यू कंडीशन, ये BS6 वाला है ना? सिक्स जी 21 लास्ट का है। ये आपका 63,000 आस्किंग। ओके नेगोशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट पीछे हमारे पास एविएटर, दो कलर वेरिएंट मिलेगा चॉइस इज योर। नेक्स्ट है हमारे पास एकदम एक्टिवा, ये भी आपका 6G होगा ना? नहीं नहीं 5G लिमिटेड एडिशन, 5G लिमिटेड। जैसे कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप दो डुअल कलर पे मिलेगा, काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ सिल्वर में। सिल्वर में मतलब दो कलर वेरिएंट मिलेगा। ओके ये कब का होगा? 2020 का है दोनों 20 का है। ओके प्राइस क्या आ जाएगा इसका? 55,000। और उसका दोनों सेम प्राइस, खाली आपको करल वेरिएंट अलग मिलेगा, जो आपको लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से एक्टिवा 2018 लास्ट, ये 18 लास्ट का। ओके टॉप मॉडल है, एलईडी मीटर जो डिजिटल मीटर वाला, और डिजिटल मीटर मिलेगा जैसे मैं आपको दिखा दूं तो आपको सब डिजिटल मीटर में देखने को मिलेगा। ये 2018 का ना 18 लास्ट का है 18 लास्ट का। ओके 34,000 चला है। प्राइस क्या जाएगा? 48। ओके नेक्स्ट पीछे एक्टिवा 125 होंगे के 2014 दिसंबर का है 14 दिसंबर का। ओके इसका मिनिमम आस्किंग क्या है? ये 29,000। ओके नेक्स्ट पीछे हमारे पास है एक्टिवा 4G हेड वर्जन BS4 वाला इंजन 2017 लास्ट का है 17 लास्ट का है फुल्ली ब्लैक पे देख सकते हैं 43 ओनली आस्किंग। ओके नेक्स्ट पीछे हमारे पास है एक्टिवा ओनली, ये सेल हो चुका है, ये सेल हो चुका और मिलेगा 3-4 है मेरे पास, तो इसके डिटेल ले लेते हैं। बाकी 3-4 जो आप पसंद आते 29,000 कब का होगा भाई? ये 14 लास्ट का है और जो दो अभी वो भी 14-15 ऐसा ही 13-14 ऐसा ही होगा। ओके प्राइस भी अराउंड ऐसे 30 का ही ना? ओके 4-5 है। ओके कलर भी मिलेगा, कलर वेरिएंट के साथ आपको मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एविएटर, फिर से एविएटर का भी आपको 3-4 कलेक्शन मिल जाएगा। हाँ। तो 4-5 कस्टमर आ सकता है। ये एलो व्हील वाला कम से कम मेरे पास 4-5 है, आप देख सकते हैं बाइक कार तो था, अब स्कूटी में भी आपको एलो व्हील मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। ओके लेकिन इसका इधर देख सकते हैं थोड़ा माइनर से स्क्रैच है जो कि हम आपको क्लीनली विजिबल करा दें। हाँ, लेकिन ये तो दो चक्का में तो माइनर तो हो ही जाता है। ओके ये कब का इन क्या है इसका प्राइस? ये 2018 लास्ट का है। हाँ 46,000। ओके नेक्स्ट है हमारे पास एकदम BS6 वाला ना, BS4 डियो टॉप मॉडल है, जैसे इसका लुक का साथ देख ही रहे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक, एंड डियो भी काफ़ी पसंद करते हैं भाई लोग, तो इसका डिटेल थोड़ा ले लेते हैं हम। कब का होगा रनिंग कितना है? 19 लास्ट का है 19 लास्ट 50,000 चला है 50,000 किलोमीटर चला 19 लास्ट का है, काफ़ी चलाया बंदे ने रखा है, मेंटेन है लेकिन मेंटेन है। ओके प्राइस क्या आ जाएगा? 51,000। ओके बढ़िया था। नेक्स्ट फिर से ये हमारे पास है डेस्टिनी 125 125 सीसी वाला। ओके 2019 मॉडल है, 19 का मॉडल विद गार्ड आपको मिलने वाला, गार्ड का खर्चा बच गया। ओके 39,000 ओनली 125 सीसी का 19 मॉडल का। ओके बढ़िया सा बात है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फिर से एक्टिवा 125 सीसी वाला 17 का 125 सीसी वाला है। हाँ आपका 41,000 ओनली 125 सीसी वाला 17 लास्ट का। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट गाड़ी हम कवर करना चाहते हैं जो है एविएटर, काफ़ी वेरी ब्रांड न्यू एंड शोरूम कंडीशन पे, लेकिन इधर थोड़ा सा रश लगा है। 2009 का है शोरूम कंडीशन पे। आप खुद चलाया ना, कोई कस्टमर है, इतना मेंटेन कैसा रखा है? ओरिजिनल कलर रीपेंटिंग नहीं हुआ है, 2009 का मॉडल है। ओके स्क्रैचलेस भी है गाड़ी? नहीं वो तो अब मेरे को लगा कि 19-20 का होगा। ओके इसका प्राइस क्या आ जाएगा? 29,000। रनिंग कितने किलोमीटर वाला? 20,000। ओके यही तक एंड करते, बाकी कलेक्शन और सारा है भैया के पास, जो भी आइए अंदर आके देख लीजिएगा,
सारा एक वीडियो में नहीं दिखा सकते ना, एंड नया नया कलेक्शन आते रहता है, ये चला गया तो दुख मत पाइए, दूसरा आ जाएगा, बस भैया को कॉन्टेक्ट पे रहिए।